आज का जो आपका टॉपिक है डीएनए के संरचना के बारे में पूछेंगे। पता है ये आपको 5 नंबर दे के जाता है। इसका भी बेसिक जानकारी जो परीक्षा में आपको आने वाला है डीएनए के बारे में, उसे कुंडली के बारे में कितना घुमाव है, कितना क्या है, आपको 2 नंबर और यहाँ से 5 नंबर की संभावना ज़्यादा है। डीएनए के बारे में आपका पूरा आज टॉपिक आधा क्लियर होगा, आगे आधा क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले डीएनए के बारे में। मैं बता दूं कि जो डीएनए का अणु का व्यास है, कैसी है, डीएनए का अणु, इसको अणु बोलते हैं, इसका व्यास होता है कितना, 20 अंगस्ट्रम। कितना होता है, 20 अंगस्ट्रम। अब आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाया जा रहा है पिक्चर डायग्राम, इसमें देखिएगा वो 20 अंगस्ट्रम, यानी कि इनके बीच, इनके जो बीच का जो दूरी होता है, व्यास होता है, उसको बोलते हैं कितना, 20 अंगस्ट्रम। कितना बोलेंगे, 20 अंगस्ट्रम। अब आगे देखिएगा ये एक कुंडलन की लंबाई, एक कुंडलन की लंबाई यानी कि एक जो कुंडलन होगा उसकी अगर लंबाई पर हम लोग गौर करें तो कितना जाएगा, 34 अंगस्ट्रम। कहाँ है देखो, ये जो पूरा घुमा है, कब घुमा है, पूरा घुमा है, इसकी लंबाई कितना है, 34 अंगस्ट्रम। आपके सामने यहाँ पर है, किसी को दिक्कत, तुमको दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखो आप उधर पूरा जब ये घूम गया है, ये पूरा घूमने को कहा गया है कितना, 34 अंगस्ट्रम, 34 अंगस्ट्रम कहा गया है। अंगस्ट्रम पता कोई बताया, वो कितना मीटर में होता है, 10 के पावर -10 मीटर कहा जाता है, माइनस नहीं होता ना, हाँ ठीक है, 10 के पावर 10 मीटर होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपको मिलेगा दो निकटवर्ती किसका, छाड़, अब समझिए बोर्ड पर, यानी कि ये कह रहा है कि जो एडेनिन थायमिन है, जो इनके जो बीच के जो नेक्स्ट कंपाउंड मिलेगा, छाड़ युग मिलेगा, उसकी दूरी कितना हो जाएगा, 3.4 अंगस्ट्रम। किसी को दिक्कत नहीं है, आपका सामने यहाँ बोर्ड पर है, पहला मिलेगा ये पूरे लंबाई होगा कितना, 34 अंगस्ट्रम, एक पूरा कुंडली के। जबकि हम बात करेंगे दो इसे दूरी का व्यास का, तो कितना मिलेगा, 20 अंगस्ट्रम। किसी को दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अब चलो, अब एक विज्ञानी के जिनका नाम है चारगाप, का नाम है चारगाप, वो चढ़ाल मत समझना, सब चारगाप होता है, यानी कि एक विज्ञानी का नाम है। इन्होंने विश्लेषण किया और अपने प्रयोग में प्रूफ किया कि ए इज्कल टू टी होता है, जबकि सी इज्कल टू जी होता है। जबकि यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ए और टी के जो बीच का बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है, जबकि सी और जी यानी कि साइटो जो भी है इसका है, साइटोनिन और गवानिन का बीच की जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ बंधन की बात कर रहा है, वहाँ पे इसको रेशियो यानी कि अनुपात का बात कर, क्या कर बात कर रहे हैं पे, अनुपात। और ये आपका न्यूमेरिकल भी पूछा था इसके बारे में, याद रखिएगा, कभी इसको जब आएगा सवाल आपको हम न्यूमेरिकल बता देंगे, एक न्यूमेरिकल बताएंगे चारगाह का। अब चलिए मैं बता दूं आपके जो डीएनए का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। देखो ये जो है ये कुंडली है, ये सबसे पहले आपको मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो डीएनए है इसके डबल कुंडली होता है। पता है इसके बारे में कौन बताया था, कौन बताया था किसी आप लोगों को, वाटसन और क्रिक ने बोला था कि डीएनए क्या होता है, डबल कुंडलित होते हैं, क्या होते हैं, तो ये रहा आपका डबल कुंडलित, क्या होता है, एक ये होता है, इसका नाम होता है, एक को नाम दिया है 3, एक को दिया है 5, याद पर मैं पढ़ा था आप लोग को क्लास में, 3 5 3 5 याद है ना, तो 3 5 फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5 3 डैश हो जाता है। इसकी जो श्रृंखला है, जो कुंडली है, इसके बारे में बताया जाता है। अब देखो, अब है जो कुंडली जो होता है, कुंडली ये होता है शुगर और फास्फेट होता है, क्या होता है, ये प्रकार बैकबोन होता है, क्या होता है, शुगर फास्फेट का एक प्रकार बैकबोन होता है, क्या होता है, बैकबोन होता है। जबकि ये आपको होता है, ये नाइट्रोजन जो भी आपको होता है, ये कंपाउंड के रूप में आते हैं। प्यूरिन पिरामिडिन नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, वह है डीएनए का स्वरूप। पता है डीएनए का 5 स्वरूप होता है,
और जहाँ प्रश्न पूछ दिया कि डीएनए के बारे में बताइए, तो सबका अध्ययन करना पड़ेगा। और देखो कितना मतलब कि मुश्किल लगता है। और दूसरा पॉइंट कि अगर आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा वीडियो तो थोड़ा साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम अपने बातों को एकदम क्लियरली रखेंगे कि आपको समझ में आ जाए, बात को एकदम क्लियर रखेंगे। सबसे पहले बात करें हम लोग डीएनए का 5 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? 5 स्वरूप होते हैं। तो पहला पांचों स्वरूप का नाम जान लीजिए। उसमें हो जाएगा, पहला मिलेगा ए डीएनए, क्या मिलेगा? ए डीएनए। दूसरा क्या मिलेगा आपका? बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। पता है पांचों डीएनए का अजीब रोचक बातें हैं। इसकी जो घूमने की प्रक्रिया है, क्या है? घूमने की प्रक्रिया है, वह दक्षिणवर्त है। क्या है? दक्षिणवर्त है। इस तीनों में याद रखिएगा बात को, इस चारों का ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए का सबका घुमाव कहाँ है? दक्षिण है। क्या है? दक्षिण में। लेकिन वो जेड को मिलेगा वामावर्त। क्या बनेगा? किसी को दिक्कत आ गई? आगे बढ़े आप। चलो तो अब यहाँ पर इसकी जो युग मिलेगा, क्षार युग कितना मिलेगा? 11। कितना मिलेगा? 11 क्षार युग। जबकि बी डीएनए के मिलेगा 10। कितना मिलेगा? 10। जबकि आपको सी के मिलेगा 9। कितना मिलेगा? 9। जबकि डी डीएनए के मिलेगा 8। कितना मिलेगा? 8। जबकि जेड का मिलेगा 69। सॉरी एक मिनट, इसका जो जेड का डीएनए होता है, नहीं सेवरी 12 है। कितना है? हम गलती बोल दिए, नहीं 12 है। कितना है इसका? 12 छाड़ी में है। अब चलो, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे इसका जो व्यास की बात करें, कैसी बात करें? व्यास की बात करें। और ऑडिटिंग पूछेगा कि ए डीएनए का व्यास कितना होता है, याद रखिएगा 23 अंगस्ट्रम। कितना होता है? 23 अंगस्ट्रम। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा लोग। अगर अब मैं बात करूँ बी डीएनए का लंबाई व्यास, तो मैं बात करूँगा हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। जबकि इसका भी हो जाएगा सी डीएनए का 19 अंगस्ट्रम। जबकि मैं इसका तो नहीं पता, इसका देवो नहीं किया था बुक में आपका। कौन बोबा? ये चूड़ी अंतराल है, जो बीच के जो घुमाव है उसके अंतराल की बात कर रहा है। जबकि ये इसका नहीं था। जबकि जेड डीएनए के बात करें, क्या बात करें? जेड डीएनए का इसका जो होता है आपका व्यास होता है, ये आपका व्यास दिया है कितना? 69 अंगस्ट्रम। कितना दिया था? 69 अंगस्ट्रम। पता है सबसे में अगर अजीब कोनो है तो जेड डीएनए है। पता है जेड डीएनए का नाम काहे पड़ा? जेड डीएनए का नाम पड़ा क्योंकि बहुत टेढ़ा मेरा का था, टेढ़ा मेरा था, और टेढ़ा मेरा होने के कारण इसका नाम कब पड़ गया? जेड डीएनए। और जान लीजिए इसको खोजा कौन था? तो अलेक्जेंडर रिच। कौन खोजा था? याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं, जेड डीएनए, हम एच बोले थे गलती से, जो जेड डीएनए है उसका खोला था अलेक्जेंडर रिच। कौन खोला था? रिच। अभी रहा आपका कॉन्सेप्ट। और पता है जेड डीएनए कहाँ पाया जाता है? ड्रोसोफिला के जो लार ग्रंथि होता है, सलाइबा ग्लैंड होते हैं, उसमें ये गुण सूत्र में होते हैं। कहते हैं उसके गुण सूत्र में पाए जाते हैं। अब समझिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ आपको परीक्षा के जरूरी है परीक्षा के लिए, तो आपका एक कुंडली की लंबाई पूछा जाता है, एक कुंडली अणु का व्यास पूछा जाता है, जो आपको एक दो बार वीडियो में आपको देखिएगा और हमेशा के लिए रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा, ज़्यादा कुछ करने की मेहनत जरूरत नहीं है। और ये 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपको पिक्चर बनाना आना सबसे ज़रूरी होता है। तो आज इधर है आपका डीएनए, बाकी डीएनए का और एक और वीडियो मिलेगा इसके बाद, एक या दो और वीडियो मिलेगा इसके बाद डीएनए कहानी खत्म हो जाएगा और 5 नंबर की तैयारी हो जाएगा और 2 नंबर की भी तैयारी हो जाएगा, यानी कि आपको